लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मनसे कामगार सेना ने वासी के सिडको एग्जीबिशन सेंटर में घायल हुई नर्स प्रीति वाघमारे को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। प्रीति वाघमारे 17 जून 2021 को आई बारिश के दौरान वासी के जंबो कोविड केयर सेंटर के छत से कांच गिरने के दौरान घायल हो गई थी। मनपा अधिकारियों ने तब उन्हें अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन पूरा इलाज कराने से पहले ही छोड़ दिया। यहां तक कि ना तो बाकी वेतन दिया, न ही इलाज के लिए पैसे दिए। फिलहाल अस्थायी तौर पर कार्यरत नर्स प्रीति वाघमारे आजकल इलाज के लिए परेशान हैं। इसे लेकर आज मनसे कामगार सेना के सह सचिव बाला साहब शिंदे ने मनपा उपायुक्त से मुलाकात की और प्रीति वाघमारे का पूरा इलाज कराने, बकाया वेतन देने और स्थायी तौर पर नौकरी देने की मांग की। बाला साहब शिंदे ने कहा कि प्रीति ड्यूटी के दौरान घायल हुई, इसलिए उसे इलाज और वेतन पाने का पूरा हक है। फिलहाल मनपा अधिकारियों ने प्रीति वाघमारे को इलाज और वेतन के मदद का भरोसा दिलाया है। इस पर बाला साहब शिंदे ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों ने वादा खिलाफी की तो वे नर्स को न्याय दिलाने के लिए मनसे स्टाइल में आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। नगर पालिका ने जब कोविड काल में स्टाफ नर्स है, ANM, GNM, इसके अलावा डॉक्टर्स है, फार्मासिस्ट है, ये लोगों को जब भर्ती करा दिया था, बड़ा त्याग करके वो लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ये लोगों की सेवा करते थे। करीबन 15 जून 2021 में जब अतिवृष्टि हो गई थी, उस समय में सिडको एग्जीबिशन सेंटर के अंदर में कांच टूट के ये नर्स को, प्रीति वाघमारे करके नाम है उनका, उनके पैर को तकलीफ हो गई थी और फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद में उनको महानगर पालिका अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वहाँ पे कोई समाधानकारक दवाई और उसका जो इलाज है वो हुआ नहीं। उसके बाद में आज भी उसके पैर को फ्रैक्चर है, तो अभी तक कोई उपचार नहीं है। उपचार के साथ उसको पगार भी दिया जाता नहीं है। और जब ये सारी बातें महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के प्रदेश सरचिटनीस सन्मान्य राणे साहब को मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, आप ज़रा देख लीजिए। उसके बाद में हमने आरोग्य अधिकारी प्रमोद पाटिल जी को मिलके वो जो लड़की है उनको साथ में लेके गया और उनको सारी आपदा बता दी। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर आप अमल कीजिए, उसको न्याय दीजिए, और जब ये ठीक हो जाए उसके बाद में आप इसको जो महानगर पालिका में है कायम स्वरूपी कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। और उसके बाद में उन्होंने ये बातों पे सकारात्मक प्रतिसाद दिया है और बोले 7 दिन के अंदर में हम सारी कार्रवाई करेंगे। कायम स्वरूपी जो कर्मचारी है उनके माध्यम से ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों के ऊपर जो जोर जबरदस्ती की जाती है, अन्याय अत्याचार किया जाता है, उसके लिए भी हमने निवेदन दिया है। तो उसके ऊपर भी प्रमोद पाटिल साहब ने बोला है कि हम तहकीकात करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।